जैन दोस्तों, मान लो शिवम भाई आप कहाँ गए? पार्लर। सर कहाँ गए? पार्लर। और आपने वहां पर सर फेशियल करवाया सर, माहौल एकदम जबरदस्त। सर आपने फेशियल करवाया और उन्होंने इनवॉइस रेज किया, वैल्यू ऑफ सर्विसेज। अच्छा जोश में नहीं आना है ना, आराम से। ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल समझ में आ गया तो सब आ गया आपको, ऐसा नहीं है। जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, गलती होने के चांस होते हैं। आराम से सोच समझ के आंसर देना। मुझे पता है आपने अगर सोच के आंसर दिया तो आंसर सही ही होना है आपका, 100% सही होगा। सरकार वैल्यू ऑफ सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज सर? फेशियल सर्विसेज। कितना? 300। फिर बोला अरे रुक भाई रुक, वो क्रीम लगाया स्क्रब लगाया उसके पैसे कौन देगा यार? कॉस्ट ऑफ क्रीम यूज्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग द फेशियल सर्विसेज। हाँ है ना भाई? कितना? 700। फिर अरे भाई रुक रुक रुक, सलून में है, एसी वेसी चलाया है, जूस वगैरह पिलाया था, ये सारी कॉस्ट भी एलोकेट होती है सर। अदर कॉस्ट एलोकेटेड 200 बस, टोटल 1200। यस सर। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, कितने पर जीएसटी लगेगा? आवाज नहीं आ रही होए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज? 300। 300 तो 1200। व्हाई सर? आप मुझे बताओ शिवम भाई, घर जाके पापा को क्या बोलोगे? पापा फेशियल कराया। पहले तो क्या मायला, तो वैसे पढ़ाई करने के लिए और तू फेशियल करवा कर कहा जा रहा भैया? सर इन्होंने बोला पापा फेशियल कराया, कितने में पड़ा? पापा फेशियल 300 में। फिर उसने क्रीम लगाया, स्क्रब यूज किया, जबरदस्त। कौन सा? शेनाज गोल्ड है ना? ओके सर। सर कितना उसका कॉस्ट एलोकेट हुआ? 700। फिर एसी वगैरह चलाया, सलून में बढ़ाया मस्त एकदम, उसके एडमिन कॉस्ट वगैरह सारे अलग सब मिला के 200 मैंने एक्स्ट्रा और दिया, टोटल कितना हो गया? 1200। पापा बोलते हैं आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। काम कर, अगली बार फेशियल कराए तो उसको बोलना कोई क्रीम नहीं लगाया, कोई स्क्रब नहीं लगाना है, और सलून के बाहर चेयर लगा के, और सर उसको बोलना और पानी की बोतल घर से ले आ रहा, और उसको बोला ये ले पानी और रगड़ा करते फेशियल, और 300 में फेशियल करवा के देना। क्या कर लेगा फेशियल वो? आवाज नहीं आ रही हो? क्या 300 में फेशियल हो जाएगा? विदाउट क्रीम, विदाउट स्क्रब, विदाउट ऑल दिस कॉस्ट इनकर्ड, कैन ही परफॉर्म हिज सर्विसेज? नहीं। आंसर इज नो। इट मींस ऑल दिस एक्सपेंसेस। प्लीज सर, मेरा टारगेट एग्जांपल समझाना नहीं है, प्लीज सर। इसलिए एग्जांपल समझ में आ जाए तो आप एकदम रिलैक्स मत बैठ जाना। एग्जाम्पल के बाद जो लैंग्वेज आ रही है ना उस पर ध्यान देना सर। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको सर, क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता सर, पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है सर। क्या? अच्छा, हमें सतर्क रहना है सर। ध्यान पूरे सर, तो कुल मिला के ही कैन नॉट परफॉर्म हिज सर्विसेज विदाउट इंकरिंग दीज एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज। हाँ है ना? ऑल दीज एक्सपेंसेज आर इंकर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज, ऑल दीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपने कस्टमर से अल्टीमेटली कितना लिया है? 1200 लिया है, और अल्टीमेटली उसने क्या किया है सर? फेशियल करवाया है, और उसके लिए सारी कॉस्ट उसने इंकर करी है। ऑल दीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और पूरे रुपीज 1200 भी क्या लगेगा सब? अरे पूरे 1200 भी क्या लगेगा सर? जीएसटी। दिस इज वॉट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सर्विस। ये वैल्यू ऑफ सर्विस नहीं है।
हाँ है ना? अरे क्लियर। चलो मान लो आपको वो पसंद आ गई क्रीम सर। सर आपने वो क्रीम का बॉक्स परचेज कर लिया। कई बार होता ना हम सलून वगैरह जाते हैं, वो शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, तो अपन परचेज कर लेते हैं, फिर घर जाके लगाते हैं, पता पड़ता पता नहीं ये क्या हो गया। हाँ है ना सर? मान लो आपने वो क्रीम बॉक्स परचेज कर लिया सर। कितने का? मान लो ₹1000 का सर। क्रीम बॉक्स सोल्ड फॉर ₹1000, टोटल 2200 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो भी थे सर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। वैल्यू ऑफ सर्विसेज 1200। हिसाब बराबर याद रखते हो। 1200 क्यों? नहीं नहीं सर, टोटल 2200 दिया ना। नहीं पर यहाँ पे भी तो क्रीम लगी थी ना सर, वो वाली तो क्रीम खरीदी इसने, वो सर्विसेज का पार्ट थी, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंकर करी थी, यूज करी थी। पर सर यहां पर ये जो क्रीम है ये इन्होंने सेल करी है, इस क्रीम को बाद में आप यूज कर पाएंगे। ये जो क्रीम ऑलरेडी लग चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, इसको बाद में आप यूज नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट सेल। हाँ है ना? यहाँ पे 1000 का क्या क्या इसने क्रीम सेल किया है, हाँ या ना? मान लो क्रीम पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 28% और फेशियल सर्विस पे रेट कितना है 18% मान लो, तो सर क्या होगा टैक्स बताओ मुझे आप, मतलब किस अकॉर्डिंग लगेगा? सर इस पे लगेगा कितना 18%, इस पे लगेगा कितना 28%। दिस इज सेल ऑफ गुड्स। अरे हाँ है ना भाई? एंड दिस इज सेल ऑफ सर्विस। क्लियर? समझे मेरी बात आप? आवाज नहीं आ रही? ओए क्या ये 1000 को भी इंक्लूड करेंगे क्या वैल्यू में? नहीं, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट, परफेक्ट। पर यहां पर ये वाली क्रीम और अदर एक्सपेंस को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे सर? क्यों करेंगे सर? बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सर्विसेज। यहां पे वो 1000 का क्रीम बॉक्स नहीं परचेज करते तो भी फेशियल तो हो गया है भाई। अरे क्लियर? डन। इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट आपको? आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, सर प्लीज सर, यहां तक बात समझे मेरी आप? ओके सर, तो वैल्यू ऑफ गुड्स समझ में आया भाई आपको? आवाज नहीं आ रही सर? 1000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड एंड 1200 इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड। चलिए सर,